Hello students, in a previous lecture we studied about various types of test. Okay, and now also we left a single test, which was this: people just spit me out, but when sick, gulp and gobble. Know my virtues for healthy life, bitter taste is noble. तो मीठा टेस्ट की बात है, कड़वे टेस्ट की बात है कि हम जब भी कड़वी चीज़ खाते हैं तो क्या करते हैं कि हम बाहर थूक देते हैं, बट जब भी हम बीमार होते हैं या ऐसे में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खाना पड़ता है और वही हमें बीमारी से निजात या राहत दिलाता है. तो बिटर टेस्ट इज ऑप्टेड फ्रॉम फेनिग्रिक, बिटर गॉड एटसेट्रा. तो फेनिग्रिक मतलब मेथी है, बिटर गॉड मतलब करेला है. द नीम इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट, तो नीम है वो भी कड़वा ही है टेस्ट में. बिटर जूस एक्टिव्स आर हंगर, तो कड़वी चीज़ होते हैं वो हमारी हंगर को एक्टिव करती है. इट हेल्प्स टू कीप बॉडी डिसीज फ्री, तो कड़वी चीज़ होती है हमारी बॉडी को डिसीज फ्री रखने में भी मदद करती है. नाउ यहाँ पे हमें कुछ दिखाया हुआ है. वी हैव एक्वायर्ड इंट्रोडक्शन अबाउट सम काइंड ऑफ किचन स्पाइसेस, तो कुछ किचन स्पाइसेस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली. ओके, इंट्रोड्यूस एनी वन कंपोनेंट और स्पाइस ऑफ अ किचन टू योर फ्रेंड, आइडेंटिफाई द थिंग्स बॉट बाय अदर फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों को बोलो कि अलग अलग चीज जो है ओके वो लाए और आप भी चीज लाओ, ये स्पाइस है, और फिर उसे इंट्रोड्यूस करो, एक्सप्लेन करो कि ये क्या चीज है. ओके, तो जैसे कि ये टर्मरिक है, येलो कलर की है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की है. देन इट इज यूज्ड टू अप्लाई इंजरी ऑन अ बॉडी. डज इट स्मेल, यस स्मेल करती है. फिर जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे दूसरा SALT salt, ओके, कैसा है कलर, वाइट. टेस्ट कैसा है, सॉल्टी. ओके, इन किचन दूसरा क्या यूज है, अप्लाई ऑन फोरहेड इन केस ऑफ इलनेस. ओके, इन केस ऑफ इलनेस. डज इट स्मेल, उसकी स्मेल आती है सॉल्ट की, तो नो. तो इस तरीके से आप अपने लिख सकते हैं दूसरे जो फ्लेवर्स है, टेस्ट है, उसके नाम, और अपने दोस्तों को बता सकते हो. तो ये आपको टेबल बनाना है और बना सकते हो, इट इज वेरी इजी. ओके, नाउ इज इट ट्रू द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन किचन प्रोवाइड टेस्ट फ्लेवर एंड अरोमा, टेस्ट देता है, फ्लेवर देता है, अरोमा देता है टू आर फूड. दे आर नोन एज एपेटाइट एंड हेल्थ स्टिम्यूलेंट, तो वो इसीलिए एपेटाइट और हेल्थ स्टिम्यूलेंट, तुम्हारे हेल्थ को स्टिम्यूलस रखने के लिए, मतलब कि कॉन्शियस रखने के लिए यूज होते हैं. ओके, नाउ रेड, क्या रीड करना है यहाँ पे, गिव द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन किचन, सर्कल द प्रोडक्ट यू नो, गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अननोन वंस एंड फिल द एम्प्टी बॉक्स, तो अननोन वंस की जगह पे यहाँ पे लिखो कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पे दी हुई है टेबल्स के अंदर, कौन कौन सी चीज़ आपको पता है, कौन कौन सी चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ पता नहीं है उसको सर्कल करो, और फिर क्या करो जो खाली जगह है उसके अंदर दूसरे भी आपको अगर मसाले का नाम याद हो तो आप रख सकते हो, दूसरे स्पीसीज का नाम, जो स्पाइसेस का नाम जो याद हो तो आप लिख सकते हो. तो जैगरी पता है गुड़ होता है, ओके, फिर शुगर क्यूब है, शुगर है, सॉल्ट है, कोरिएंडर मतलब कि धनिया, चिली, टैमरिंड, इमली, कोकम, जिंजर, ब्लैक पेपर, कार्डेमम, फिर एसाफोरेटिडा ये हिंग है. ओके, ड्राई जिंजर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, मेथी एंड ऑल, तो आप लिखो जो याद है वो ठीक है, जो याद नहीं है उसे सर्कल करना है. ओके, नाउ गिव मी द आंसर, विच टेस्ट आर लाइक्ड बाय यू, कौन कौन सा टेस्ट पसंद है. तो सबसे पहले आपको कौन सा टेस्ट पसंद है, तो
मेनली स्वीट, फिर आपको जो पसंद है आप लिख सकते हो, ओके। फिर स्पाइसी, सर टेस्ट है तो टेस्ट में स्पाइसी नहीं आएगा, ओके। तो स्वीट, सार, एंड आई लाइक बीटर टेस्ट, ओके। विच डिशेस ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट? तो स्वीट्स के अंदर कौन सी चीज़ है स्वीट के अंदर अच्छी लगने वाली? तो लड्डू, ओके, लड्डू, जलेबी है वन ऑल। सार के अंदर मैंगो पिकल, बीटर में बीटर बीटर गार्ड की सब्जी जो होती है वो, ओके, या फिर मेथी के लड्डू भी हम लिख सकते हैं। तो ये चीज हम लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पसंद है, कौन कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, ओके। एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन अ फूड इज हार्मफुल टू हेल्थ। तो जैसे हमने पहले बोला कि ज़्यादा हम टेस्ट ले लेते हैं, ज़्यादा अरोमा अगर डाल देते हैं तो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, ओके। ड्यू टू दिस देर इज अ रैपिड इंक्रीज इन पेशेंस ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज। तो कभी कभी क्या होता है, हम मीठी चीज़ ज़्यादा खाते हैं इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, फिर हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं तो शुगर लेवल बढ़ता है और डायबिटीज़ होता है, ओके। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है। वो तो बोलते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयति, मतलब कि ज़्यादा कोई चीज़ खाते हैं तो वो हार्मफुल होती है, कोई भी चीज़ का अति होता है मतलब एक्सेस होता है तो वो हमेशा हार्मफुल होता है। तो अगर अच्छा टेस्ट, कड़वी चीज़ भी ज़्यादा खा लेगा तो वो भी हार्मफुल ही होगी, ओके। सो ड्यू टू दिस देर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़। तो हार्ट अटैक के पेशेंट और डायबिटीज़ के पेशेंट इसीलिए बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ आर कंट्री प्रॉपर यूज़ ऑफ टेस्ट एंड स्पाइस शुड बी मेड। तो अलग अलग सीजन के प्रॉपर यूज़ ऑफ अलग अलग स्पाइसेज यूज करने चाहिए। जैसे वैसे एक्चुअली हम तो करते ही है, जैसे कि समझो कि सर्दी आने वाली हो तो हम अदरक वाली चाय पीते हैं, हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो हर एक सीज़न के अंदर अपने जो टेस्ट होते हैं और थोड़ी चीज़ें जो होती है, जो खाना बनाने का तरीका और वो सब बदल जाता है, ओके। नाउ यहाँ पे क्या करना है, आस्क योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ किचन और स्पाइसेस यूज एज प्राइमरी क्योर ऑफ डिसीजेस। तो कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है प्राइमरी क्योर ऑफ डिसीजेस के तहत? तो यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है कि स्नीजिंग और कोल्ड कौन कौन सी चीज़ होता है। एड टर्मरिक एंड ड्राई पाउडर ऑफ अ जिंजर इन अ हॉट मिल्क, जिंजर इन अ हॉट मिल्क एंड ड्रिंक गार्गल विथ सॉल्टी वाटर। तो ऐसा करते हैं तो छींक आना या सर्दी होती है तो हमें ख़त्म हो जाती है, ओके। तो हम बोलते हैं कि घर के नुस्खे, तो इन नुस्खों की बात है कि कौन कौन से नुस्खे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा हो हमारा तो कौन सा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं? तो ड्रिंक सिरप मेड ऑफ वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। तो ड्रिंक वो जो बना दें जूस, मेड ऑफ वाटर, शुगर, सॉल्ट लेमन जूस, ओके। फिर दूसरा क्या है, स्टमक पेनिंग होता है, इनडाइजेशन होता है, ओके, होता है ना पेट दुखना और वो सब, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक या इनडाइजेशन, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक
कैरम सीड, अजमा बोलते हैं अजमा, कैरम सीड विथ वाटर, पानी के साथ उसे ले, एसाफोटिडा इज सोक इन वाटर, एसाफोटिडा मतलब क्या होता है हींग, लिखते हैं उसको एसाफोटिडा इज सोक्ड सोक्ड इन वाटर, पानी के अंदर डुबा जाता है, एंड अप्लाई ऑन द नेवल ऑफ सम किड्स, स्मॉल किड्स, नेवल ऑफ सम किड्स ऑफ सम, तो एसाफोटिडा जो हींग होती है वो बहुत से जो बच्चे होते हैं उसे पानी के अंदर भिगो के उनके डूंटी जो नाभि होती है वहाँ पे लगाई जाती है, जिससे इनडाइजेशन की तकलीफें दूर हो जाती है, गैस हो जाता है बच्चों में। तो ये तो दूसरे जो है वो आप लिखो अपने हिसाब से, अपने मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, अंकल आंटी से पूछो, और फिर लिखो कि कौन कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं। थिंक एंड से विच स्पाइसिस फ्रॉम किचन आर यूज टू क्योर डिसीजेज, कौन कौन से यूज़ होते हैं डिसीजेज क्योर करने के लिए, तो बहुत सारे यूज़ होते हैं डिसीज क्योर करने के लिए। टर्मरिक है, कोरिएंडर है, धनिया है, फिर क्या बोलते हैं उसे, क्यूमिन सीड्स है, कैरम सीड्स है, फिर ब्लैक पेपर है, फिर स्टार क्या बोलते हैं उसे, स्टार बर्ड्स ऐसा कुछ बोलते हैं, वो तारा वाला होता है ना वो, ये सारे जो हम बोलते नहीं कि हम बनाते हैं उकाला बनाते हैं, बोलते हैं ना कि ये वो सब उबालते हैं और पीते हैं, काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा बनाने के लिए ये सारी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है जो हमारी बीमारी के लिए और बहुत सारी मददगार है। जिंजर है वो हमें यूज़ होती है कफ एंड कोल्ड में, हनी है वो कफ एंड कोल्ड में यूज़ होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती है। बेस्ड ऑन दिस यू कैन नो अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आप बेस्ड ऑन इसके तहत आप एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो। वी विल लर्न अबाउट डैम इन हायर स्टैंडर्ड्स, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हम दूसरे स्टैंडर्ड्स में समझेंगे। डेफिनेटली देर इज एन इफेक्ट ऑफ फूड ऑन आर हेल्थ, तो अभी हमने समझ में आ गया कि हमारे फूड जो होता है उसकी इफेक्ट हमारी हेल्थ पे सीधी पड़ती है। बट फूड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय थॉट्स, बट फूड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द थॉट्स इन द माइंड ऑफ वन हु इज प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग इट, तो जो प्रिपेयर जो खाना बना रहा होता है उसके विचार और उसकी भावनाएं भी खाने को इफेक्ट करती है। सो प्रिपेयर एंड ईट द फूड विथ काम माइंड एंड ग्रेट गुड थॉट्स, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि दिमाग गुस्से में होता है तो ज़्यादा मिर्ची लग जाती है या नमक ज़्यादा डाल देते हैं, कभी कभी होता है कभी कि मम्मी गुस्से में होती है घर पर, थोड़ा आप काम नहीं करते हो या पढ़ते नहीं हो तो मम्मी गुस्से में होती है, तो गुस्से गुस्से में खाना बनाती है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी तीखा बन जाता है। तो प्यार से बना हुआ खाना जो होता है वो अच्छा होता है, वो सब कुछ उसका लेवल में होता है, इसीलिए हमें खाना काम माइंड मतलब कि शांत दिमाग से और अच्छे विचारधारा से बनाना चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, लिखना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जैसा कि हम बोलते हैं स्टे होम स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।